वेलकम टू बैक माय चैनल राज वेब स्किल में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा वी लुकअप फंक्शन इन एमएस एक्सेल, यानी कि वी लुकअप फंक्शन का आप लोग एमएस एक्सेल में कैसे यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, डिजाइनेशन, बेसिक और नेट सैलरी का मैंने यहाँ पे एक तरह से मैंने डेटा यहाँ पे फिलअप किया हुआ है, ठीक है। जैसे सीरियल नंबर 1 पे आकाश सिंह, आकाश सिंह क्या है, डिजाइनेशन का पद है मैनेजर, और इनका जो बेसिक सैलरी है वो 20,000 और इनका नेट सैलरी है 30,000। अब इसमें बहुत सारे इसमें इम्प्लाई का नाम है, वो अलग अलग डिजाइनेशन के पद पे काम कर रहे हैं, उनका बेसिक सैलरी ये है और नेट सैलरी ये है। इसमें क्या है कि कंपनी जैसे कि चाहती है कि आप सीरियल नंबर यहाँ पे जैसे कोई भी यहाँ पे लिखें, उनका एम्प्लॉय नेम बता दें और नेट सैलरी बता दें। ये सब किसके द्वारा होता है? वी लुकअप फंक्शन के द्वारा होता है। इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो सिंपल, आपको यहाँ पे जैसे आप देखना चाहते हैं नारायण दुबे, तो आपको एक यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है 6, जैसे मैंने लिखा। इसका थोड़ा मैं साइज बढ़ा देता हूँ, 16 में कर देता हूँ, ठीक है। अब 6 मैंने लिखा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एम्प्लॉई नेम आ जाना चाहिए और उनका नेट सैलरी दिखा देना चाहिए। कैसे पॉसिबल है, चलिए हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब कैसे, देखिए इसके लिए फॉर्मूला आपको लगाना होता है वी लुकअप। मैंने स्टार्टिंग में बताया था वी लुकअप फंक्शन के द्वारा इसको निकालते हैं, फाइंड करते हैं। उसके लिए आपको लिखना है इक्वल टू के सिंबल और यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन का यूज करना, वी लुकअप फंक्शन। देखिए वी लुकअप मैंने लिख दिया। अब इसके बाद आपको ओपनिंग ब्रैकेट देना है और इसमें यहाँ पे देखिए लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू यानी किसका देख रहे हैं, 6 का, तो आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आ गया i3, ठीक है। उसके बाद आपको देना है कामा, और ये जो टेबल बनाया हुआ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने टेबल बनाया है, इसमें से टोटल में से आप देखना चाहते हैं कि 6 नंबर पे क्या है, वो यहाँ पे आए फॉर्मूला के हेल्प से, ठीक है। तो टेबल को पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो शिफ्ट के साथ आपको इस पर क्लिक करके शिफ्ट के साथ आपको पूरा सेलेक्ट कर लेना है, और इसको F4 जो बटन होता है आपके कीबोर्ड में, उससे आपको इसको क्या कर लेना है, फ्रीज कर लेना है। F4 आप प्रेस कीजिएगा तो ये देखिए फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कामा का सिंबल देना है। फिर यहाँ पे देखिए कॉल इंडेक्स नंबर, यानी कि जो आप इम्प्लाई का नाम देखना चाहते हैं, तो इम्प्लाई का नाम कहाँ पे है, फर्स्ट नंबर पे सीरियल नंबर है, सेकंड नंबर पे इम्प्लाई नेम, तो आपको यहाँ पे क्या देना है, 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसमें ट्रू फॉल्स देना होता है, तो ट्रू फॉल्स एग्जैक्ट मैच कराना चाहते हैं तो आपको फॉल्स देना है, तो फॉल्स के लिए आपको यहाँ पे 0 लिखना है, ठीक है। ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर देना है, देन आपको इंटर प्रेस कर देना है। ये देखिए 6 नंबर में क्या दिखा दिया, नारायण दुबे। देखिए यहाँ पे 6 नंबर पे क्या है, नारायण दुबे। ये फार्मूला के अकॉर्डिंग आपने बना लिया, ठीक है। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दीजिए। नेट सेल, अब ऐसे ही हम लोग देखेंगे नेट सैलरी, तो नेट सैलरी के लिए भी सेम ही फार्मूला हम लोग लगाएंगे। एक लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिंपल इक्वल टू का सिंबल देना है और यहाँ पे आपको वी लुकअप लिखना है। क्या लिखना है, वी लुकअप फंक्शन, फिर ओपनिंग ब्रैकेट देना है, फिर से आपको जैसे मैंने बताया था लुकअप वैल्यू किसका देख रहा है, 6 का, तो 6 पे क्लिक करना है, फिर आपको कामा देना है, फिर यहाँ पे टेबल एरो का मतलब होता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और शिफ्ट के साथ इसको सब कुछ सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आ जाएगा, और इसको F4 बटन प्रेस करके इसको फ्रीज कर लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉल इंडेक्स नंबर का मतलब होता है, आप यहाँ पे नेट सैलरी देख रहे हैं इस टोटल टेबल में से, तो सीरियल नंबर 1 फर्स्ट पे है, एम्प्लॉय नेम सेकंड पे है, डिजाइनेशन थर्ड नंबर पे है, बेसिक फोर्थ नंबर पे है, और नेट सैलरी कितने नंबर पे है, 5th नंबर, तो आपको 5th नंबर लिखना है। फिर एग्जैक्ट मैच कराने के लिए आपको फॉल्स, यानी कि फॉल्स के लिए 0 लिखना है, फिर आपको क्लोजिंग ब्रेकेट यहाँ पे देना है, देन आपको इंटर प्रेस कर देना है। ये देखिए 6 नंबर पे नारायण दुबे हैं और इनका सैलरी, नेट सैलरी कितना है, 15,092 रुपया, यानी कि 15,092 है, एग्जैक्ट यहाँ पे सैलरी आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग इसके साइज़ को इंक्रीज कर लेते हैं, 16 कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं, 16, देखिए आ गया, आपको दिख रहा है। अब चाहते हैं फार्मूला देखना, फार्मूला क्या लगाया, तो यहाँ पे क्लिक करके देखिए फार्मूला यही मैंने लगाया हुआ है। एक बार मैं आपको और बता दूं, वी लुकअप लिखना है, फिर ओपनिंग ब्रैकेट देना है, फिर आपको जिस सेल में जिसका देख रहे हैं उस पर क्लिक करके वो चीज सेल पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक i3 यहाँ पे आया है, देखिए i3 आ गया। फिर आपको पूरा टेबल को सेलेक्ट करना है और उसको F4 से उसको फ्रीज कर लेना है। फिर उसके बाद आप जैसे एम्प्लॉय नेम दिख रहे हैं, तो एम्प्लॉय नेम कितने कॉलम पर है, 2 नंबर पर है, तो 2 लिखना है, और एग्जैक्ट वैल्यू मैच कराने के लिए आपको 0 लिखना है, यानी कि फॉल्स का
कोड इसमें सिंपल होता है, जीरो, आप जीरो लिखिएगा, जैसे ही आप इंटर प्रेस कीजिएगा तो एग्जैक्ट आपको वैल्यू दिखा देगा। सिक्स नंबर पे क्या है, नारायण दुबे, देखिए नारायण दुबे आया है। वैसे सेम नेट सैलरी पे करना है, नेट सैलरी पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे सिर्फ टू के स्थान पे आपको फाइव लिखना है, क्योंकि फाइव नंबर कॉलम पे क्या है, नेट सैलरी, आप नेट सैलरी देख रहे हैं तो इसलिए फाइव लिखना है। और एग्जैक्ट वैल्यू मैच कराने के लिए आपको जीरो लिखना है, यानी कि फॉल्स। देखिए नारायण दुबे का कितना है नेट सैलरी, 15,092। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रहा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।